आपका आईडी टोटली डिलीट हो सकता है। क्यों? ये जाने के लिए वीडियो कहीं तक देखते रहना, क्या क्या करना है क्या नहीं सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो कहीं तक देखते रहना। और गेमर्स, जो लोग कल की लाइव स्ट्रीम में रॉयल पास एंड यूसी जीते थे, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई स्क्रीनशॉट लेके मेरा इंस्टा आईडी गेम टेक पांडा में शेयर कीजिए। ओके, तो हे गेमर्स एंड यूजर्स, कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो कहीं तक देखते रहना। इतने दिन से मैंने अलग अलग टाइप की मतलब डेटा ट्रांसफर कैसे करोगे क्या नहीं, जितने भी प्रॉब्लम आ रहा था सभी का सोल्यूशन दे रहा था। अभी मैं बोल रहा हूँ जितने भी लोग डेटा ट्रांसफर नहीं किए, भाई स्टॉप कर जाओ, डेटा ट्रांसफर अभी मत करो। क्यों बोल रहे हैं ये भी आप लोगों को बताएंगे, और अकाउंट क्यों डिलीट हो सकता है जो लोग डेटा ट्रांसफर कर चुके हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग खुद का ओपिनियन बताना तो कमेंट में। और चलिए बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो आउटफिट देख रहे हो, ये आउटफिट आप लोग मतलब लग रहा है ना वो बैटर ग्राउंड मोबाइल इंडिया की तरह, बट ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। जो लोग ट्विटर को यूज़ करते हो उन लोगों को पता ही होगा, कल रात से ट्विटर में थोड़ा हलचल हो रहा है। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का कनेक्शन चाइना से कैसे, मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। ये वाला एक मतलब जो गेम है ये बैन हो सकता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा चीट किए हैं हम लोगों से, मतलब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया हमसे कुछ चीट किया है वो, इसलिए मतलब ये वाला वीडियो भी मेरा हटा सकता है वो लोग, क्योंकि उन लोगों के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग जो सच है वो मैं बताऊंगा, आप लोग वही डिसाइड करना क्या आप लोगों को लगता है क्या नहीं, कमेंट में बताना। मैं अभी तक कंफर्म कुछ नहीं बोल रहा, जो न्यूज़ आ रहा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये फेक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, बट आप लोगों को बहुत ट्वीट देखने को मिल जाएगा, खुद जाके चेक कर लीजिए, बहुत ही ट्वीट देखने को मिल जाएगा आप लोगों के ट्विटर पे। ओके, और मैं बताना चाहूँगा जो है ये अपना डेटा, सारे के डेटा जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये सारा डेटा आप लोगों का जा रहा है चाइना में। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारा जितना भी डेटा के साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, रॉयल पास जो है ये ग्लोबल वर्जन का रॉयल पास और हमारा इंडिया का रॉयल पास कैसे एक हो सकता है, क्योंकि पबजी जब हमारा चाइनीज़ में बैन हुआ था उधर आया था गेम ऑफ पीस, उसका रॉयल पास से स्टार्ट करके सारी कुछ अलग है, बट हमारा पबजी मोबाइल इंडिया या फिर बैटर ग्राउंड मोबाइल इंडिया इसका कुछ अलग नहीं है। क्यों ऐसा है मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा, क्योंकि इसका जितने बार सारी कोड है ना, सारे के सारे कोड एक है। कैसे बता रहे आप लोगों को, एक ट्वीट दिखा रहा हूँ, ये वाला ट्वीट देख सकते हो, ये बंदा ने टोटली ट्वीट दिखा के बोला है चाइना से सर्वर कनेक्टेड है, सब कुछ है, सर्वर थोड़ा अलग हो सकता है, इंडिया सर्वर हो सकता है, बट ये सारा का सारा कोड निकाल दिया। ये मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, सारे के सारे कोड मैं दे रहा हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल में, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो, नीचे आप लोगों को मिल जाएगा लिंक। और भाई आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है, मतलब बैन मतलब अगर पबजी मोबाइल बैन हो जाएगा, पबजी मोबाइल इंडिया बैन हो जाएगा, तो आपका अकाउंट भी हट जाएगा, क्योंकि ये वीपीएन चला के नहीं खेल सकते। क्योंकि जैसे कि ग्लोबल बैन हुआ था जब हम लोग वीपीएन लगा के खेलते थे, तो ऐसे करके हम लोग बीजीएमआई नहीं खेल सकेंगे। तो जो लोग अभी तक अकाउंट नहीं ट्रांसफ़र किए वो लोग अकाउंट ट्रांसफ़र मत करना। और क्या आपका ओपिनियन है ये कमेंट में बताना मत भूलना। ओके, और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, अगर बीजीएमआई हट जाता है और तो तब किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप लोगों को, ये कमेंट में बता सकते हो। और ये वाला इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्या लगा, फेक या रियल, आप लोग कमेंट में बताओ, फेक 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 करके या फिर रियल 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 करके। तो जो भी है आपका ओपिनियन सारे के सारे कमेंट में डाल दो। और अगर पबजी ऐसा कर रहा है चाइना से रिलेटेड है, तो आपको क्या लगता है, गेम बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी अपना कमेंट दे देना। और वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। बहुत रिस्क से मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। और आपको क्या लगता है ये वाला वीडियो मैं प्राइवेट करूँ या ना करूँ, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड ऐसे प्यारे रहो, और Love you guys.